लास्ट क्लास में फ्रिक्शन स्टार्ट किया था, फ्रिक्शन का डेफिनेशन बताया था, फ्रिक्शन में बताया था कि दोनों के कॉमन सरफेस ऑफ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन लगता है और दोनों पर इक्वल अपोजिट लगता है, ये बताया था। फिर बताया था कि फ्रिक्शन, दो तीन एग्जांपल दिखाया था कि फ्रिक्शन मोशन का नहीं, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है और पोटेंशियल रिलेटिव मोशन का, याद है? सर फिर बताया होगा फ्रिक्शन तीन टाइप के होते हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक, याद है? सर स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है और काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से थोड़ा कम होता है। सिखाया था ये सब? ऐसा और एक दो क्वेश्चन कराए होंगे, यही ना? सर ऐसा आज भी क्वेश्चन थोड़े देखेंगे और उस क्वेश्चन के थ्रू कुछ सीखेंगे। दैट इज पुश वर्सेस पुल। कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम है, बट इस प्रॉब्लम के थ्रू सीखेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था उसमें एक सर्टेन ब्लॉक पर कोई एक ऑब्जेक्ट पुल कर रहा था किसी एंगल पे, याद है? तो पूछा था मिनिमम फोर्स कितना लगेगा या ऐसा कुछ, यही क्वेश्चन था ना लास्ट वाला जो किया था हम लोगों ने? नहीं आते कुछ? हाँ सर तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये एक ब्लॉक है मास एम, सेम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक फोर्स एफ इस पर एक्ट कर रहा है, पुल कर रहे हैं रस्सी बांध के ऐसे, ये एंगल थीटा है। फाइंड मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक। ग्राउंड और ब्लॉक के बीच फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया हुआ है, ठीक है? जल्दी 2 मिनट में इसको कीजिए। 2 मिनट इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपने किया है, यहां मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना है इसलिए मैंने दोबारा लिखा है। जल्दी
बोलो बेटा, हुआ किसी को? कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मैं करूं, हुआ, होने वाला, कुछ तो बताइए। बोलिए। बोलो, एकदम से शांत हो गए तुम लोग। कोई कुछ तो बोलो। कर रहे हो, कुछ बताओगे? सर आप बता दो। सेम क्वेश्चन किया था, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू था, उसमें इसमें सिंबल है। लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही था ना बेटा? कोई नहीं, एफ का ये कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा इधर और ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा इधर, ये राइट की ओर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर लेफ्ट की ओर अपोज करेगा, यही कहानी होगी इस फ्री बॉडी डायग्राम में। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। पक्का? हाँ सर। तो इसको मूव करने के लिए एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, हाँ या ना? यस सर। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होगा, होगा? बोलो। यस सर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एन प्लस एफ साइन थीटा इसकी वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए, मतलब n की वैल्यू mg माइनस एफ साइन थीटा के बराबर होनी चाहिए। तो इस n को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मैं इसको लिखूंगा ग्रेटर इक्वल टू म्यू n की जगह mg माइनस f साइन थीटा, f को इधर ले जाइए तो f इंटू कॉस थीटा
minus minus plus mu sin theta greater equal to mu mg हो गया ऐसा. तो f greater equal to mu mg upon cos theta plus mu sin theta हो गया ऐसा. बोलो. यस सर. यस सर. पुल करने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए? म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. ये आंसर होगा. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नहीं सर. नो सर. पक्का? कॉपी कर लीजिए. क्यों नहीं हुआ था सोच के बताओ मुझे. सही सही सोच के बताओ क्यों नहीं हुआ था. ये तो पिछली बार यही क्वेश्चन किया था हम लोगों ने शायद. तो रही जल्दी कॉपी कीजिए. हो गया. लिख लिए. बोलोगे? कुछ नहीं बोलते. यस सर. हो गया सबका लिखा हुआ. हो गया. आगे बढ़ो. दो मिनट. ठीक है. जो दो मिनट बोले हो अभी जैसे ही हो जाए आवाज दो. ठीक है. जैसे ही हो जाए मुझे बताइए कि हाँ हो गया. सर हो गया. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. सिमिलर क्वेश्चन करो. दिखा एक दिख रहा है सबको? हाँ सर. फर्क कितना है? सब कुछ वही है. तुरंत कर भी लोगे. उसमें पुल कर रहे थे और इसमें पुश कर रहे हैं. कितने का ही फर्क है ना.
देखिए तो पूछा है कि मिनिमम फोर्स कितना चाहिए कि इसको पुश कर पाए, हो जाएगा? बोलिए सिमिलर है पिछले जैसा? हाँ सर, हाँ सर, यस सर। ठीक है, पांच मुश्किल दो तीन मिनट का टाइम है, जैसे ही हो जाए मुझे बताइए, आवाज दीजिए।
बोलो हो गया होगा? यस सर। तो बोलोगे मैं कितनी बार बोलता हूँ हो जाए तो बताओ बताओ बताओ, पता नहीं तुम लोग क्या आया आंसर बताइए। सर डिनोमिनेटर में एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन होगा। वेरी गुड। तो देखिए सब कुछ वही था जैसा पहले है, फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा हुआ। तो अब ये एफ है, ये थीटा है, तो ये एफ कॉस थीटा है, ये एफ साइन थीटा है, जो पहले ऊपर लग रहा था अब नीचे लगेगा। तो जहां साइन थीटा का टर्म है वो प्लस की जगह माइनस होगा, इतने का ही फर्क होगा ना। यस सर। हाँ सर। सो एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, फटाफट लिख देता हूँ। सो ग्रेटर इक्वल टू म्यू एन, सो ग्रेटर इक्वल टू म्यू एन की जगह अब लिखेंगे हम एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ऐसा लिखेंगे। यस सर। ये इधर चला गया तो हो गया कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा ग्रेटर इक्वल टू म्यू एम जी। सो एफ की वैल्यू हो गई एफ मिनिमम म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, यही आंसर आया होगा। यस सर। अब देखो पहले वाला और ये, इन दोनों को अगर एक साथ देखोगे तो इससे एक बात क्लियर हुई कि किसी चीज को पुल करने में कम एफर्ट लगेगा पुश करने के रेस्पेक्ट में। पुल करने के लिए मिनिमम फोर्स जो चाहिए, मिनिमम पुलिंग फोर्स, ये मिनिमम पुशिंग फोर्स से छोटा है ना। यस सर। तो याद है स्कूल में पढ़ते थे कि पुल इज इजियर देन पुश, याद आया कुछ? हाँ सर। या घर में भी कभी भी सोफा बेड किसी को घसकाना है तो देखो कि पुल करना आसान है पुश करने से। तो ये जो हम लोग कहते थे स्कूल में कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग एन ऑब्जेक्ट, ये बात समझ आ गई इन दोनों एग्जांपल से? यस सर। So, moral of the story is pulling is easier than pushing an object on a rough surface. कोई डाउट नहीं? नहीं सर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो। इसी बात को मैं ऐसे कहता हूँ, एक्चुअल में मेरा पर्पस सीधे इस क्वेश्चन पर आने का था लेकिन आपसे सॉल्व हो जाए इसके लिए मैंने इतनी कहानी करी। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है। ग्राउंड और ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड
to move the block. On the rough surface. Move the block on rough surface having coefficient of friction mu. क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? यस सर, यस सर। कोशिश कीजिए। सर जो फोर्स पुश करने के लिए लगता है वो पुल से ज्यादा क्यों होता है? क्या हो गया सर? पुश करने के लिए जो फोर्स लगता है वो पुल से ज्यादा क्यों होता है हमेशा? अभी तो ऊपर देखा ना, ऊपर तो देखा, खुद सॉल्व करके डिराइव करके देखा कि ज्यादा होता है सर। मतलब उसमें लॉजिक वगैरह है कि सब डेरिवेशन के ऊपर है? मतलब लॉजिक नहीं समझ आया डेरिवेशन देखने के बाद? कोई बताएगा इसका आंसर? देखिए बाकी जनता का क्या हाल है। दोनों तो खुद सॉल्व करके देखा, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल जो आता है और मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश जो आता है सेम कंडीशन में, पुश वाला ज्यादा है पुल से, ये सबको दिखा? यस सर। अच्छा, अब ये पूछ रहा है भाई साहब कि इसका क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों हो गया जादू? तो ये जो जादू करके दिखाया, इस जादू में इस जादू का रीजन रिवील हुआ कि नहीं? बोलो। नहीं यार तुम लोग कुछ नहीं, तुम लोग एकदम आर्ट्स कॉमर्स के जैसा खाली कॉपी करते चलते हो। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात नहीं। कोई बोलो, कोई एक भी बोलो तो कम से कम मैं सेटिस्फाइड रहूं, नहीं तो कुछ एकदम तुम लोग तो आर्ट्स का बच्चा भी ऐसे नहीं पढ़ता है, देखा कॉपी कर लिया जैसा है वैसा, कुछ रास्ते में कॉपी करते वक्त कुछ नहीं सोचा कि क्या जादू हो गया। समझा सर? क्या समझा बताओ, क्यों हुआ ऐसा, लॉजिक बताओ सर। क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज हुआ तो वो
साइन थीटा नेगेटिव हो गया ना एक्स साइन थीटा। डेरिवेशन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, लॉजिक पूछ रहा हूँ। डेरिवेशन तो लिखा ही होगा, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया। चलो सुनो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हो तो आपके पुल करने में आपके एफर्ट का एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को डिक्रीज करता है क्योंकि ऊपर की ओर लगता है, और जब पुश करते हो तो आपके एफर्ट का एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज करता है, और नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज होगा तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ या ना? यस सर। जब किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो तो आप नॉर्मल रिएक्शन में आप अपने फोर्स का एक कंपोनेंट, जब आप किसी चीज को पुश करते हो तो आपके फोर्स का एक कंपोनेंट पुश कर रहा होता है और दूसरा कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा होता है। अब नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो गया तो फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया तो ज्यादा फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। जब आप पुल कर रहे होते हो तो आपके फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को डिक्रीज कर रहा होता है, कम कर रहा होता है ना? दोनों में फोर्स का कंपोनेंट देखो, भाई साहब तुम लोगों ने दुखी कर दिया। इसमें आपके फोर्स का एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को कम कर रहा होता है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। और फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, पिछले लेक्चर में देखा था। तो इस केस में जिस फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करना है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना? यस सर। इस केस में देखो, आपके एफर्ट का एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन में ऐड हो रहा है mg के साथ साथ, मतलब आपका एफर्ट उसको खींच तो रहा है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज कर रहा है तो ज्यादा लगेगा, ठीक है? हाँ सर। इस क्वेश्चन में क्या है, एक ब्लॉक दे दिया है आपको, नहीं बोला है कि पुल करना है, पुश करना है, क्या करना है, आपके ऊपर है, आपको जो मन है वो करो, लेकिन मिनिमम कितना फोर्स चाहिए जिससे कि ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर स्लिप करना स्टार्ट करे। आया समझ में? आपको जो करना है करो, जिधर करना है करो, पुल करना है तो पुल करो, पुश करना है तो पुश करो, जितने एंगल पे मन करे उतने एंगल पे करो, लेकिन जो मिनिमम एफर्ट होगा वो कितना होगा वो ढूंढना है। क्लियर? कोशिश कीजिए।
हुआ कुछ नहीं। चलो देखो, ये तो पक्का है कि पुल करने में जो फोर्स लगता है वो पुश करने से कम होता है, ये तो पक्का है। यस सर। तो हम डिसाइड करेंगे कि इसको पुल करना है। तो ये डिसीजन हो गया कि इसको पुल करना है। यस सर। या नहीं डिसीजन हुआ कि पुल पुश कुछ भी करना है, ये भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। बट बेहतर क्लैरिटी के लिए हम लोग सीख चुके हैं तो हम लोग इसको पुल करेंगे, ये पक्का है। तो हम लोग जैसे ही इसको पुल करेंगे, मुझे करना नहीं चाहिए, ऊपर किया है मैंने, बट दोबारा से मैं वही काम करता हूँ। मैंने अपने, मुझे नहीं पता, मिनिमम देखेंगे, मैंने एक एफ फोर्स लगाया थीटा एंगल पर, इसको पुल करने की कोशिश की, ये हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ साइन थीटा, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एम जी, और ये हो गया फ्रिक्शन। यही कहानी हो गई। तो यहां से मुझे जैसा पहले किया था ठीक वैसे ही एफ मिनिमम कितना लगेगा, अभी तो ऊपर किया है, यहां से एफ मिनिमम कितना लगेगा, cos theta plus mu sin theta, ऐसा मिलेगा। Yes, sir. अब ये तो theta dependent है, तो हम theta कितना चूज करें कि ये f minimum minimum हो, यही कहानी हो गई। बोलो। तो म्यू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, केवल थीटा वेरिएबल है। यस सर। यस सर। अब तुम लोग मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, रूट माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वही माइनस क्या, कहां से, इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर वेरिएबल है, यस सर। तो इस डिनोमिनेटर को अगर हम जेड मान ले अपने मन से, तो जब ये जेड मैक्सिमम होगा उस समय ये फोर्स और मिनिमम होगा, है ना। तो जेड अगर मेरा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा है, तो जेड मैक्सिमम कितना होगा बताओ, कुछ तो बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, अंडर रूट रूट वाला कहानी, बोलोगे ए बी कहाँ है, दिख रहा है कहीं, ए बी लिखा है मैंने, यही होता है जब आप लोग बिना जाने समझे कोई चीज रट लेते हो, आपने ए बी के भाषा में ए वन और बी म्यू है तो ऐसा होगा, होगा जो रटे हुए हो उसी की बात करो, ऐसा होगा। तो एफ मिनिमम का वैल्यू म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर हो गया,
हाँ या ना? हाँ तो ये मिनिमम एफर्ट लगाने के लिए कोई पूछे कितने एंगल पर पुल करना है, अब बताओ। या मैं ये कहूं कि उस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर रिजल्ट आपने बताया ये कहां से आया, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर जो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, तो ये कहां से आया, मतलब किस थीटा पर ऐसा होगा, इसका क्या प्रूफ है, कहने का ये मतलब। आपने कहा ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पढ़ा है तो मैंने लिख दिया, मुझे इसका प्रूफ बताओगे तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि व्हाट एंगल दिस ब्लॉक शुड बी पुल्ड इन ऑर्डर टू हैव मिनिमम एफर्ट। बताओ चलो 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 देखो दो तरीका है, कैलकुलस से भी बता सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी बता सकते हैं, जैसा चाहोगे वैसा बता दूंगा। मेथड वन कैलकुलस मेथड देख लो, देखो z इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, तुम लोग सब लोग पढ़ चुके हो कैलकुलस। यस सर। यस सर। तो z टू बी मैक्सिमम dz बाय d थीटा जीरो होना चाहिए, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है? हाँ सर। तो dz by d theta क्या होगा तुम लोग बताओ, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो प्लस म्यू cos थीटा, इसको जीरो कर दोगे म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan theta is equal to mu मिलेगा। हाँ सर। अब tan theta अगर mu है तो sin theta और cos theta की वैल्यू कितनी हो गई, हो गई कैसे, tan थीटा p by b, sin थीटा p by h, कुछ समझ आया कि नहीं? समझा। tan थीटा दिया हुआ है तो मैंने sin थीटा कैसे लिखा समझ आया? हाँ सर। tan थीटा म्यू है मतलब ये रेशियो कुछ ऐसा होगा P by B, ये रेशियो कुछ ऐसा होगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, होगा? Yes, sir. अब ये Z का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो Z है cos theta plus mu sin theta, तो वैल्यू पुट कर दो, therefore Z maximum is equal to cos theta, that is 1 upon under root 1 plus mu square प्लस म्यू, यहाँ यहाँ से कर रहा हूँ समझ रहे हो ना, प्लस म्यू साइन थीटा दैट इज म्यू इनटू म्यू अपॉन वन प्लस अंडर रूट म्यू स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, तो ये दोनों मिला के दिख रहा है वन प्लस म्यू स्क्वायर
अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर दिख रहा है, दैट इज अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो समझ आया? हाँ सर। तो यहां से इसका मैक्सिमम वैल्यू इतना आता है, ये इस बात का प्रूफ हो गया कैलकुलस वाला। क्लियर है? यस सर। ट्रिग्नोमेट्री वाला प्रूफ भी देखना है, ट्रिग्नोमेट्री में सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को। ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ पढ़ा है इसका, याद है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम मिनिमम का कैसे प्रूफ करते थे? जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ऐसा है। तो क्या करो, इसको यहां पर जो वन है इस वन को ए कुछ भी जो नाम देना है कॉस अल्फा मान लो, और इसको ए साइन अल्फा मान लो अपने मन से, ठीक है? तो अगर मैंने ऐसा मान लिया तो अब ये क्या हो गया, ए कॉमन कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, यही हुआ। इसमें से ए और अल्फा मुझे ढूंढना बाकी है, ठीक है? ऐसा होगा सर। तो ये हो गया ए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी होगा, होगा? हाँ सर। हाँ सर। कॉस कुछ भी हो, मैक्सिमम वैल्यू वन हो सकती है, मतलब जेड का मैक्सिमम वैल्यू ए के बराबर होगा, वो भी तब जब थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा, आया ना? हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर मुझे ए और अल्फा मिल जाए तो हमारा काम चल गया। हो गया ना? हाँ सर। तो यहां से देखो, हमारे सब्स्टिट्यूशन से ए कॉस अल्फा की वैल्यू वन थी और ए साइन अल्फा की वैल्यू म्यू है, यही है ना? दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, तो ए की वैल्यू दिख गई अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, और दोनों को डिवाइड कर देंगे टू डिवाइडेड बाय वन, तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू दिख गया। सर तो मिल गया मुझे जेड मैक्सिमम का वैल्यू, तो जेड मैक्सिमम मुझे मिल गया अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर व्हेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, यही मतलब हुआ, सेम रिजल्ट हो गया जो पीछे मिला था। यस सर। तो ये आपको समझाना था, इसलिए डिफरेंट मेथड इतना लंबा चौड़ा किए, अदरवाइज मैथ्स में करते करते ये सबको याद हो ही जाता है कि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा ऐसा कुछ है, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड इज म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, नंबर वन। नंबर टू, पुलिंग और पुशिंग, तो पुलिंग। नंबर थ्री, एंगल ऑफ पुल कितना होगा, तो टेन इनवर्स म्यू होगा। ये तीन आउटकम हो गए इस क्वेश्चन के। यस सर। हाँ सर। कॉपी कर लो जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कॉपी हो जाए आवाज दो।
हो गया, आगे बढ़ू? सर एक मिनट, जैसे हो जाए बोलो, मैं बैठा हूं। सर हो गया, आगे बढ़े। चलो, दो टर्म है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सिग्निफिकेंस नहीं है, बट हाँ इस चैप्टर में एज अ थ्योरी पूछा जाता है। एक कहलाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना? बोलो। फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मान लो इधर जा रहा है, तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देखो इसमें से एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, हाँ या ना? और फ्रिक्शन इधर लगेगा, हाँ या ना? यस सर। और यही दो कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसके अलावा mg और बाकी कुछ लगेगा तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स तो नहीं है, वो फील्ड फोर्स है। यस सर। तो देखोगे रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, तो इन दोनों का वेक्टर सम होगा, ये मेरा होगा रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना? तो देखो ये हो गया रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स इस सरफेस नॉर्मल रिएक्शन से जितने एंगल पर होता है उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है? यस सर। अच्छा, तो इस पैरेललोग्राम में अगर आप देखोगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन मिलेगी। फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, मिलेगा ऐसा? यस सर। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू म्यू, मतलब थीटा की वैल्यू
tan inverse mu. जैसा मैंने कहा, इसका कोई न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूज नहीं है, जस्ट थ्योरी है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते किसको. हाँ, कंसेप्चुअली एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन क्या होगा? द एंगल बिटवीन सरफेस नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. कोई डाउट? No, sir. ठीक है. So angle between resultant contact force and surface normal reaction is called angle of friction. है ना? कोई डाउट किसी को यहां तक? सर नो सर. तो अपने डायग्राम में यहां मैंने लिखा था, ये डायरेक्शन है रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स का, ग्राउंड ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स इधर ही लगा रहा है ना, और ये तो नॉर्मल रिएक्शन है ही. ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से उसको.
हो गया। बोलो। यस यस एक और टर्म है जिसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये भी कॉमन सेंस है। ये एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? अगेन बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इसका सिग्निफिकेंस नहीं है सब फॉर्मूले का, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट है, थ्योरी में है, बोर्ड में पूछता है, जानना चाहिए। दो दो मिनट का छोटा छोटा है तो बता देता हूँ। देखो सब इधर देखो इस एक्सपेरिमेंट को। ये डायरी दिख रही है सबको? डायरी के ऊपर माउस दिख रहा है। अब अगर मैं इस डायरी को टिल्ट करता जाऊं, माउस नहीं गिर रहा है, माउस नहीं गिर रहा है अभी भी, और टिल्ट किया अभी भी नहीं गिरा, और टिल्ट किया अभी भी नहीं गिरा, और टिल्ट किया अभी भी नहीं गिरा, अब गिरने लगा है ना? यस सर। तो जितने एंगल पर जाकर फ्रिक्शन फोर्स को mg साइन थीटा ओवरकम कर लेगा वो गिरने लगेगा। यस सर। कोई भी हॉरिजेंटल सरफेस, कोई भी सरफेस हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना सकता है मैक्सिमम विदाउट ब्रेकिंग द कॉन्टैक्ट, आई मीन विदाउट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस एंड ऑब्जेक्ट, इसी को एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक है, जैसे ये डायरी फ्लैट सरफेस हॉरिजेंटल था, इसको हम टिल्ट करते गए तो मान लो ये एंगल थीटा पर आकर इसके ऊपर का ऑब्जेक्ट स्लिप करना शुरू किया और इससे नीचे स्लिप नहीं करेगा, यही कहानी है ना? हाँ सर। तो यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे फ्रिक्शन इधर लगेगा, mg इधर लगेगा, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा हो गया, तो mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा इधर हो गया, mg का दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा इधर हो गया, सरफेस नॉर्मल रिएक्शन n इधर हो गया। हाँ या ना? यस सर। तो फॉर ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन mg sin theta, this should be greater equal to friction ka maximum value. Haan ya na? Bolo. Yes, sir. So greater equal to mu n. So greater equal to mu. N ki value kya hai? mg cos theta hai. Yes, sir. So yahan se mil gaya. Tan theta should be greater equal to mu. इसका मतलब है कि थीटा अगर tan इनवर्स mu से छोटा है तो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगा ड्यू टू इट्स ओन वेट, और अगर ज्यादा है तो करेगा। तो ये जो एंगल है tan इनवर्स mu, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। आपको देख के लगता होगा, मैं बार बार कर रहा हूं ये फॉर्मूला नहीं है,
कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी यही फॉर्मूला है, एंगल ऑफ रिपोज का भी यही फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला नहीं, दोनों दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आया समझ में? यस सर। यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। नहीं सर। कोई नहीं सर बोला किसी ने? हाँ कर दूंगी। ठीक, जल्दी दिखाओ। हो गया। हाँ हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके थ्रू भी कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखना, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मान लो म्यू है, मास एम है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, इसको इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल एक फोर्स एफ लग रहा है।
तो अगर अगर एंगल ऑफ रिपोज से छोटा एंगल है, से बड़ा एंगल है, तो अगर हम ये F नहीं लगाएंगे तो नीचे गिर जाएगा ये, है ना? So find minimum force required to hold the block from sliding down. समझ आया? समझ आया? Yes, sir. क्योंकि फोर्स नहीं लगाओगे तो ये स्लिप होके नीचे चला जाएगा ना? हाँ सर. तो मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि ये नीचे नहीं जाए? कोशिश करो.
बोलो नीचे गिरने से कौन रोकेगा? बताओ, बोलना सही। अरे फिजिक्स एकदम आसान प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझो, नीचे गिरने से कौन रोक रहा है केवल ये बताओ मुझे कि इसको कौन सा फोर्स नीचे गिरने देना चाह रहा है और कौन सा फोर्स इसको नीचे गिरने से रोक रहा है, मुझे बताओ। सर एमजी साइन थीटा फोर्स कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो ये तो आपको आपने बताया कि एमजी साइन थीटा इसको नीचे जाने के लिए मदद करेगा है ना, रोकेगा कौन? सर फ्रिक्शन फोर्स, जो हम लोग एफ लगा रहे हैं वो रोकेगा और फ्रिक्शन रोकेगा, ये दोनों अपोजिंग फोर्स होगा। यस सर, क्योंकि नीचे भले जा नहीं रहा है बस इसकी टेंडेंसी तो नीचे जाने की है ना, तो मैंने बताया था फ्रिक्शन में कि ये फ्रिक्शन मोशन का भी अपोज करता है और पोटेंशियल रिलेटिव मोशन का भी अपोज करता है, तो इसका पोटेंशियल नीचे जाने का है उसका भी अपोज करता है, ये कहानी होगी। बोलो, तो नीचे नहीं गिरे मतलब mg sin theta minus f this should be less than equal to friction का maximum value, हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. mg sin theta minus f ये अगर फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है मतलब नीचे नहीं गिरेगा, क्लियर? सो लेस देन इक्वल टू म्यू n, सो लेस देन इक्वल टू म्यू mg cos theta, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। तो यहां से मुझे मिल गया f शुड बी ग्रेटर इक्वल टू mg common sin theta minus mu cos theta, तो greater equal to मतलब ये f का minimum value हुआ, मतलब minimum इतना force लगाएंगे तब object नीचे नहीं गिरेगा, समझ आया सबको? यस सर। यस सर। या कोई डाउट? कोई डाउट है तो बोलो, किसी को किसी तरह का कोई डाउट है तो बोलो। ये mg cos theta mg sin theta समझ आया, ये mg के कंपोनेंट हैं। यस सर। यस सर। जल्दी फास्ट,
आगे बढ़े हैं? यस सर। ठीक है, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें तुम्हें दिखाता हूँ। अब मैं ऐसा कहूं कि फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक अप, समझ आया कंडीशन क्या हुआ? ये तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू नॉट लेट इट फॉल डाउन, अब पूछ रहा हूं मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द ब्लॉक अप। सर तो इसमें जो एम जी साइन थीटा माइनस एफ है वो ग्रेटर देन इन इक्वल टू एफ आर मैक्सिमम है ना? नहीं, मिनिमम पूछा है तो ग्रेटर कैसे, मतलब देख लो वैसे सॉल्व करके देखो। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक अप, और क्वेश्चन में जैसा डायग्राम में दिख रहा है मिनिमम फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन, एज शोन इन फिगर। चलो कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, जल्दी दो मिनट से ज्यादा का नहीं है ये। बोलो किधर जाना है ब्लॉक को, ब्लॉक को किधर जाना है? ऊपर की साइड। ऊपर जाने से कौन रोक रहा है? केवल फ्रिक्शन रोक रहा है। mg sin थीटा भी तो ऊपर जाने से रोकेगा। यस सर। और फ्रिक्शन भी ऊपर जाने से रोकेगा। देखो पिछले क्वेश्चन के लैंग्वेज में फ्रिक्शन ऊपर लग रहा था। हाँ। इसमें फ्रिक्शन नीचे लग रहा है, समझ आया? हाँ हाँ सर। नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, mg cos थीटा इधर लगेगा, सबको समझ आ रहा है? यस सर। तो ऊपर जाने के लिए फॉर ब्लॉक टू मूव अप
एफ शुड बी ग्रेटर इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। सो एफ शुड बी ग्रेटर इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन, दैट इज ग्रेटर इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, मतलब ग्रेटर इक्वल टू एम जी कॉमन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा होगा। यस सर। ये आंसर होगा, ग्रेटर इक्वल टू मतलब मिनिमम हुआ ना। आया समझ में? यस सर। कॉपी करो जल्दी। हो गया? यस सर। यस सर। पक्का? अब देखो इसी में देखो कैसे फर्क मतलब पड़ता है लैंग्वेज वाइज। इसी क्वेश्चन को अब अगर मैं ऐसे लिख दूं लिख लिया है सबने ऊपर तक? हाँ सर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ फोर्स एफ फॉर विच ब्लॉक विल neither go up nor fall down. तो मुझे फोर्स उतना चाहिए जिससे कि न नीचे जाए न ऊपर जाए, वहीं पर रहे। ऐसे समझ में? Yes, sir. बताओ क्या होगा? सर ये ए जैसा होगा? नहीं, अरे बहुत सीधा है भाई। ऊपर में जो फोर्स मिला है पार्ट ए में,
इससे कम होगा तो नीचे गिर जाएगा। यस सर। यस सर। होगा तो नीचे गिर जाएगा और इससे ज्यादा होगा तो ऊपर चला जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच में होगा तो नाइदर गो अप नॉर गो डाउन, ऐसा होगा। यस सर। सो एफ एम जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इससे ज्यादा होना चाहिए और एम जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इससे कम होना चाहिए। कॉमन सेंस है। अभी तो ऊपर सॉल्व किया है ना। मिनिमम रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक अप वो हो गया एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, तो इससे ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगा, मतलब इससे कम होना चाहिए। ए पार्ट में था मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू नॉट इट लेट स्लाइड डाउन, ऐसा था। हाँ सर। एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा से छोटा होगा तो नीचे गिर जाएगा, तो इससे बड़ा और उससे छोटा, ये आंसर है। दोनों क्वेश्चन तो ऊपर ही किया था। आया समझ में? यस सर। एक्चुअल सर तो दोनों की मीन वैल्यू में भी वो नहीं होगा ना। क्या? दोनों का अगर ये ए और बी की मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू क्या होता है? अरे सर मतलब बीच का। जबरदस्ती अंग्रेजी मत लगाओ, इंग्लिश तुम लोग समझ। रेंज, जैसे पहला का आंसर आया 5 न्यूटन, दूसरे का आया 15 न्यूटन, तो तीसरे का आंसर होगा एनीथिंग बिटवीन 5 एंड 15 न्यूटन, है ना। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोई एक आंसर बोलने से नहीं चलेगा। वैल्यूज, वैल्यू नहीं, वैल्यूज। तो हमें ये पूरा रेंज बताना है, वो मीन वैल्यू एक वैल्यू दो वैल्यू से काम नहीं चलेगा। समझ आया? यस सर। और एससी वर्मा बुक है आप लोगों के पास? यस सर। सो एससी वर्मा बुक में फ्रिक्शन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 to 21 ये आपका होमवर्क है। अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सर आप उसका पीडीएफ भेज दोगे एससी वर्मा का? बिल्कुल नहीं, ये बाइबल है आपका, ये रहना ही चाहिए। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे, तो ये आपके पास होना ही चाहिए। इसको सॉल्व करके आओगे, इसको डिस्कस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे मैं पढ़ाता जाऊंगा तुम्हारा लगेगा सिलेबस हो गया है, होगा कुछ नहीं। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।